हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एप्पल टीवी प्लस की एक बढ़िया साईफाई सीरीज़ डार्क मैटर के बारे में, जहाँ पर आपको इन्वेजन, फाउंडेशन, सेवरेंस और कॉन्स्टेलेशन जैसा थ्रिल मिलने वाला है। ये सीरीज़ बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसकी हिंदी डबिंग अभी नहीं आई है। इसमें 9 एपिसोड्स आएंगे, जिसमें से 7 आ गए हैं और 2 अभी आने बाकी हैं। यहाँ पर गोर, वायलेंस, एडल्ट सीन्स माइल्ड है, प्रोफैनिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द थीम आई वुड रिकमेंड दैट द सीरीज इज सूटेबल फॉर टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। अब अगर हम इस सीरीज के एसेंस की बात करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में अपनी हर एक चॉइस के थ्रू अपना नया पाथ बनाते चलते हैं। उनमें से हमारी कुछ चॉइसेस बहुत अच्छी होती हैं और कुछ के लिए हम हमेशा रिग्रेटफुल रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि काश हमें सेकेंड चांस मिल जाए, ताकि हम वहाँ जाकर उन सारी चीज़ों को बदल सके, पलट सके। अब यही कुछ आप इस सीरीज डार्क मैटर में देखने वाले हैं। यहाँ पर दिखाई गई हर चीज़ को एक साइंटिफिक, लॉजिकल बैकिंग के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जो हमें काफ़ी इम्प्रेस करती है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट जेसन दिखाया गया है, जो एक ऐसा मिस्टीरियस बॉक्स बना लेता है, जिसके अंदर जाते ही उसकी लाइफ की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ सामने आ जाती हैं। ये जो बॉक्स है, आपको बहुत कुछ श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट वाले बॉक्स जैसा लगने वाला है। ऑसम मेटाफर्स के साथ यहाँ पर कहानी बहुत ही ब्रिलियंटली रिटन है। एंड डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट इस सीरीज़ के जो शो स्टीलर हैं, वो जोल एगर्टन ही हैं। मेरे लिए सीरीज़ है 9 out of 10। अगर आप साईफाई, टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स फैन हैं, तब तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। चलिए बात करते हैं मुझे इस सीरीज़ में क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो व्हाट द सीरीज डार्क मैटर, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, ये एक मिस्टीरियस साईफाई थ्रिलर सीरीज़ है, जिसकी स्टार्टिंग बहुत ही धांसू रखी गई है। शुरू में जेसन डेसन नाम के व्यक्ति को आप खुद के ही दूसरे वर्जन के थ्रू किडनैप होते पाएंगे, और बाद में पता चलता है कि एक वर्ष में ये जो जेसन डेसन है, ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, जिन्होंने एक ऐसे बॉक्स को ईजाद किया है, जिसके अंदर जाते ही जो रियलिटी क्रिएट होती है, वो अपने ही दूसरे पॉसिबल वर्जन्स के साथ सुपरपोजिशन में है। अब ये पॉसिबल हो कैसे पाया है, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसको डैम्पन करने के लिए इन्होंने अडैप्टिव इनहिबिटर्स लगाए हैं, और जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपने दोस्त रायन से एक ऐसी ड्रग बनवाई है, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर काम करती है, जिसे कॉन्शियसनेस क्रिएटर कहा जाता है, और जिसकी वजह से जो आउटसाइड और खुद की कॉन्शियसनेस का इंटरफेरेंस है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमारा माइंड इंटैंगल्ड हो जाता है सुपरपोजिशनल मल्टीवर्सल रियलिटी के साथ। ये सारी चीज़ें सुनने में थोड़ी टफ लग रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। जो साइंस के टच में हैं, उन्हें तो शायद ये समझ में आ जाए, बट यकीन मानिए, जब आप ये सीरीज में देख रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिखाया जाता है कि सब कुछ क्लियर होता जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई साइंस का लेक्चर आपको यहाँ पर लगेगा कि आप देख रहे हैं, कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सारी चीज़ें आप समझते रहेंगे। अब अगर हम इसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर कहें, तो ये जो साइंटिस्ट जेसन है, जब उस बॉक्स में एंट्री करता है और बहुत सारे जेसन्स की लाइफ को विटनेस करता है, उसमें से एक जेसन की लाइफ से ये एनवीएस हो जाता है और उस पर्टिकुलर जेसन को किडनैप करने का प्लान बना लेता है, उस प्लान को अंजाम भी दे देता है। उसे लगता है शायद उस जेसन की लाइफ में जाकर, उसे जीकर इसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो भी इसकी रिग्रेट्स हैं वो सारी चली जाएंगी, लेकिन शायद उसने इन सारी चीज़ों को सही से नहीं एनालाइज किया था। कॉज जो इतने साल उसके साथ लोग रह चुके हैं, क्या उन्हें इसकी कोई भी हरकतों पर शक नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो अपनी वाइफ डैनियल और बच्चे चार्ली के साथ रहने लगता है, धीरे धीरे उन लोगों को इसके बर्ताव में बहुत परिवर्तन दिखता है, शक बढ़ने लगता है, रायता पूरी तरीके से फैल जाता है और बातें बनती बिगड़ती रहती हैं। उसका थ्रिल आपको इस सीरीज़ में महसूस होता रहता है थ्रू आउट। दूसरी तरफ जो किडनैप्ड जेसन है बेचारा, उसको तो समझ ही में नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या है। वहाँ पर उसे अमांडा मिलती है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, उस समय जो मेन जेसन था जिसने उसे किडनैप किया, उसकी गर्लफ्रेंड रही है, और वो बहुत हेल्प करती है सारी चीज़ों को समझने में। उसी किडनैप्ड जेसन के थ्रू हमें भी समझ में आता रहता है कि आखिर यहाँ गड़बड़ घोटाला चल क्या रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, जो मुझे सीरीज़ में मिले हैं।
जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है इसका कटिंग एज साइंस फिक्शन वाला एंगल। जो इस शो के क्रिएटर हैं ब्लेक क्राउच, वही इस एक्सेप्शनली वेल रिटन नॉवल के ऑथर भी हैं। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे मिलता है वो बहुत ही इंटैक्ट है, कुछ भी स्कैटर्ड नहीं है। इतने टफ कंसेप्ट को लेकर चलने वाली ये सीरीज़ सब कुछ सिंप्लीफाई कर कर रख देती है, किसी को भी मेरे हिसाब से समझने में दिक्कत नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप ये सीरीज़ अपने एपिसोड्स में सारी चीज़ें क्लियर कर देती है पूरी तरीके से। जो सेकंड पॉजिटिव है वो है जोल एगर्टन, बहुत ही मार्वलस काम किया है इन्होंने। यहाँ पर वो दो जेसन का रोल कर रहे हैं, उनके जो सटल डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी के वो बहुत अच्छे से दिखा पाए हैं। हम बहुत आराम से ये समझ सकते हैं हम किस जेसन को देख रहे हैं, इतनी माइन्यूटली उन्होंने अपनी एक्टिंग के थ्रू डिफरेंसेस को हम तक पहुँचाया है। अब अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो जो थर्ड एपिसोड था वो काफ़ी ब्लीक था और वहाँ पर हेयर एंड देयर बहुत सारे स्लो मोमेंट्स आपको मिल जाते हैं जो बोर करने लगते हैं, रेपिटेटिवनेस भी आ जाती है। अगर ये चीज़ बार बार ये अपने आगे वाले एपिसोड्स में नहीं करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। जो लास्ट के दो एपिसोड्स बचे हैं उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। बाकी मैंने इस शो को फुली इंजॉय किया है, थॉरली मुझे बहुत मज़ा आया है। मेरे लिए ये 9/10 रहा है। अगर आप साईफाई के फ़ैन हैं मिस मत करिएगा। दैट्स इट, बाय।